नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरप्रीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी इंपोर्टेंट अपडेट सबसे पहले मिल सके। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं या आप इंटरनेट यूज करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप में से कोई ऐसा होगा जिसको बाबा का ढाबा इसके बारे में नहीं पता हो, क्योंकि अब के सीजन में ये काफी वायरल होने वाला एक विषय है। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खुद को बड़ा लकी समझ रहा हूं और कुछ चीजें बड़े अच्छे के लिए होती हैं। हालांकि मैं काफी टाइम पहले जाने की कोशिश कर रहा था कि बाबा का ढाबा वहां पर जाऊं और जो मुझसे मदद हो मैं जरूर करके आऊं, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बढ़िया किया, वहां नहीं गया, नहीं तो मैं अपने आप को कोसता रहता कि मैं कहां चला गया। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को भी समझ आ जाएगा। देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि क्या हमें किसी की मदद करनी चाहिए। और इसके बाद जो ये टॉपिक है, जो ये मैटर हुआ है, आज जो मैं बताने वाला हूं, बाबा का जो ये बाबा ने जो कुछ किया है, इससे लोगों का और गरीबों से भी विश्वास उठ गया है। ये मैं आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो आप देखते रहिए। सबसे पहले गौरव वासन बाबा की मदद करते हैं, उन पर तरस आता है कि एक गरीब दंपति 80 साल की उम्र में भी ढाबा चला रहे हैं, जिनका नाम कामता प्रसाद, मालवीय नगर दिल्ली में ढाबा चलाते हैं। लेकिन उनकी इनकम इतनी कम होती है कि वो जो खर्चा लगता है ना, वो भी नहीं निकल पाता। तो बाबा वीडियो में रोते हुए नजर आते हैं, तो वो वीडियो काफी वायरल हो जाती है, लोग फिर मदद करने के लिए आते हैं। स्टार्टिंग में गौरव अपना अकाउंट डाल देते हैं, लेकिन बाद में फिर बाबा का अकाउंट भी उसमें डाल देते हैं। इसके बाद लोग बाबा की बहुत मदद करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो बाबा हैं वो गौरव पर ही केस कर देते हैं कि 20-25 लाख रुपए गौरव के खाते में गए हैं, उनकी वाइफ के खाते में गए हैं। और इसके बाद उन गौरव का, उस भले इंसान का, देखो मैं भला यहां पर यह बोल रहा हूं कि उन्होंने मदद करी, अगर वो गलत है तो मैं उसका साथ नहीं दे रहा, उस भले इंसान का जिसने उनकी मदद करी, तो उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया। एक इंटरव्यू में यहां तक बताया कि यहां तक सोचा उन्होंने कि कुछ गलत कदम भी उठाएं, क्योंकि इतना उनको ट्रोल किया गया, परिवार को इतना गंदा बोला गया, उनको मतलब फर्जी इंसान बोला गया, इतना गलत उनके बारे में बोला गया, ये सब बाबा की वजह से जिनकी मदद गौरव ने करी थी। तो सबसे पहले अभी जो जांच से पता चला है, तो बाबा के खाते में 45 लाख रुपए लगभग आ चुके हैं, पुलिस जांच में ही सामने आई है बातें। और गौरव के खाते में 4 लाख रुपए आए हैं लगभग, और इनमें से काफी पैसा बाबा के पास जा भी चुका है। और अभी इस पर जो मालवीय नगर पुलिस है, वो गौरव से इसके बारे में जानकारी लेगी, उससे पूछताछ होगी कि भाई आपने अपना अकाउंट स्टार्टिंग में क्यों दिया, बाबा का अकाउंट क्यों नहीं दिया, ये होगा। इसके बाद उसकी पत्नी और परिचित का किसी का अकाउंट नहीं है, पुलिस जांच में चीजें निकल के आई हैं। इसके बाद यहां पे बाबा ने नया होटल और अपने घर के लिए जगह देख ली है, अब उनका अपना घर और होटल होगा, और बाबा के पास मैनेजर, वकील, ये सब भी हैं। इसके बाद एक चीज और भी निकल के आई है कि जो बाबा को जिसने होटल दिलवाया था, जो मतलब घूमे उनके लिए, उनको कोई पैसा नहीं दिया। वो उन्होंने कई इंटरव्यूज में ये बात भी बोली है कि उसको कोई पैसा नहीं दिया गया, और उल्टा बाबा के मैनेजर्स वगैरह हैं, उन्होंने उनको धमकाया कि हम केस कर देंगे, उल्टी आपके ऊपर बात आएगी, ऐसा कुछ सुनने में आया था। तो ये भी कितनी गंदी बात है। इसके बाद जो बाबा का ढाबा है, वहां के आसपास के लोगों ने, स्थानीय निवासी जो हैं, उन्होंने ये भी बताया कि बाबा एक शराबी इंसान है, ये आप इंटरव्यूज में देख सकते हैं, वीडियोस में देख सकते हैं। काफी लोगों ने ये कहा कि इनके होटल पे लोग इसलिए भी नहीं जाते, ये क्या करते हैं, तंबाकू खाते हैं, मुंह से मतलब उंगली से तंबाकू निकाल के, और उसके बाद वहीं रोटी वोटी बनाने लगते, तो इस वजह से भी स्थानीय लोग वहां पे नहीं जाते, ठीक है। और इसके बाद बोला गया कि बाबा काफी शराबी इंसान है, शराब पी के रात को आते हैं, ये वहां के लोगों ने बोला, हमने नहीं। अब बातें यहां पर सुन लीजिए आप। इसके बाद बात ये आती है, अब बाबा जैसे ट्रोल होने लगे, पहले तो बाबा ने गौरव पे केस कर दिया, लेकिन जब गौरव ने अपनी बैंक स्टेटमेंट लोगों को दिखाई और बोला कि मेरे खाते में कहां है इतने पैसे, उसके बाद लोग उल्टे बाबा पे हावी हो गए, बाबा को ट्रोल करने लगे, बाबा के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। देखो, उल्टा सीधा बोलना गलत है, लेकिन
उसके बाद बाबा बाबा के तेवर थोड़े ढीले हुए। बाबा ने फिर बोला कि नहीं, हम तो बस जांच करवाना चाहते, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और मेरे पैसे मतलब वहां पे बाबा के पैसे। अरे भाई साहब, कौन से बाबा के पैसे? मतलब यहाँ पे देखिए, सीधी बात ये निकल के आती है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछता हूं कि अगर यहाँ पे गौरव निर्दोष निकलते हैं, अगर गौरव ने बाबा का कोई पैसा नहीं खाया, बाबा ने बाबा के कोई 20-25 लाख रुपए नहीं खाए, हालांकि ये लगभग क्लियर हो चुका है कि कोई 20-25 लाख रुपए गौरव ने नहीं खाए हैं, ना उनके वाइफ का अकाउंट था। अब यहां पे बात ये निकल के आती है कि क्या बाबा, उनकी जो रेपुटेशन खराब हुई है, जो बेइज्जती हुई है, क्या बाबा उसकी वो इज्जत दिलवा सकते हैं? इतनी बदनामी करवाई, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके बाद बाबा ने तो यहां तक कहा कि मैं मदद मांगने नहीं आया था, मतलब बाबा ने यहां तक बोला कि मैं मदद मांगने नहीं आया था, ये मेरे पास आए थे अपने काम के लिए। और इसके बाद बाबा ने यहां तक बोला, जब लोगों ने पूछा कि भाई बाबा आपके तो आंसू निकल रहे थे, आप रो रहे थे उस टाइम, जब बोले नहीं मैं इसलिए रो रहा था कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है, मतलब बाबा ने कहा कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है। और साथियों मैं आपको ये बता देता हूं, ये चीजें विद प्रूफ है, ठीक है, मैं कोई भी चीज जल्दी से देख ऐसे नहीं डालता सोशल मीडिया पे। तो यहां पे बात यह आती कि बाबा को कोई मदद की जरूरत नहीं थी, गौरव ने मदद पागलपन में करी, उनकी गलती थी, और आप लोगों ने मदद करी, ये आपकी गलती थी। लेकिन यहां पे अगर बाबा को मदद की जरूरत नहीं थी, जो बाबा रोते हुए वीडियो में दिख रहे थे, वो बाबा बोल रहे हैं कि मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं थी, गौरव अपने काम के लिए आए थे, और मैं रो इसलिए रहा था कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बाबा को जो लोगों का पैसा है वो वापस देना चाहिए। और साथियों मैं तो हाथ जोड़ के आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई किसी की मदद करना चाहता है, उसका ये सिला होगा, तो कोई मदद कैसे करेगा? बाबा जैसे लोग समाज के लिए एक, मैं क्या कहूं, चलो ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा, काफी बुजुर्ग इंसान है। और इसके बाद अगर गौरव कुछ गलत कदम उठा लेते, यहां पे क्वेश्चन है कि अगर गौरव कुछ गलत कदम उठा लेते तो इसका जिम्मेदार कौन होता? और बाबा खुद बोल रहे थे कि मेरा पैसा लिया है, मेरे कंधे पे बंदूक रख के चला रहे थे। यार कितनी शर्म की बात है, मतलब जो इंसान आपके लिए मदद कर रहा है, जो इंसान आपके लिए कुछ सोच रहा है, इससे पहले तो कभी उन्होंने फंड रेज नहीं किया, आपके लिए कुछ सोच रहे हैं बाबा, आप इतने बुजुर्ग इंसान होके आप ऐसी हरकतें करेंगे बाबा, कितना, क्या कोई किसी की मदद करना चाहेगा? मुझे आज खुद ये लग रहा है कि मैं वहां नहीं गया, मैं खुद सोच रहा था कि मैं ज्यादा नहीं तो 1,000-2,000 रुपए वहां दे के आऊं, और हो सकता है कि मेरे जो और भी टीम मेट्स हैं सभी वहां जाएं और वहां पे, लेकिन मुझे आज खुद बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं बाबा के ढाबे पे नहीं गया, और मुझे बड़ी तसल्ली मिल रही है, दिल को शांति मिल रही है। पहले मदद करके शांति मिलती थी, लेकिन आज मुझे बिना मदद करे शांति मिल रही है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया। बाबा वो इंसान जिसने आपको यहां तक पहुंचाया, आपने मतलब क्या बोल दिया, आप कैसे हम किसी की मदद कर पाएंगे आज के समय में ना? और साथियों किसी की मदद करने से पहले सोचना पड़ेगा कि हाँ हम किसी की मदद करें या ना करें। लोग अब क्या बोलूं मैं, लोग खुल के नहीं बोल रहे लेकिन लोगों के दिलों में। और सबसे बड़ी बात तो देखो साथियों मैं ये कहना चाहता हूं, अगर बाबा को मदद की जरूरत नहीं है और पुलिस इंक्वायरी में क्लियर होने के बाद, मैं तो ये चाहता हूं कि लोगों का पैसा वापस दिया जाए, क्योंकि बाबा को जरूरत नहीं थी, और बाबा ने जो हेल्प कर रहा है उस इंसान के साथ ऐसा किया है, तो कोई हेल्प की जरूरत नहीं थी बाबा को, और लोगों का पैसा वापस दिया जाए, या जो पैसा है वो किसी चैरिटी में लगाया जाए, किसी गरीब, किस मतलब गरीब बच्चों के लिए, अनाथ लोगों के लिए लगाया जाए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों की मदद की जाएगी तो फिर क्या फायदा। वो काफी लोग हैं वहां पे, मैनेजर हैं, वकील रखे हुए हैं, और हद की बात है। तो मैं तो देखो यही चाहूंगा कि इस चीज का भी एक ट्रेंड चलाया जाए कि जो पैसा है वो गरीब लोगों को दिया जाए, और इसके बाद जो कोई बीमार लोग हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, या मतलब कोविड पेशेंट्स हैं, उनको वो पैसा दिया जाए, ना कि ऐसे बाबाओं को पैसा दिया जाए। तो साथियों मेरी बात से आप कितना सहमत करते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे पहले बड़ी दया थी, बहुत सहानुभूति थी बाबा के साथ, लेकिन आज ये चीजें देख के, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि गौरव निर्दोष हैं, गौरव की गलती यहां पे ये है कि उन्होंने अपना खाता
क्यों दिया, क्यों वहां पे अपना खाता दिया, और उन्होंने अपना समझ के वहां पे अपना खाता दिया, क्यों दिया? बाबा का खाता देना चाहिए था। और देख लिया रिजल्ट गौरव जी, आगे से ध्यान रखें आप भी किसी की मदद करने से पहले। और लेकिन गौरव आज भी उसी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उस इंसान को रुला दिया, उस इंसान को रुला दिया, उस इंसान को दिखा दिया कि किसी की मदद करना कितना भारी पड़ सकता है। चलो क्या कहें ज्यादा, लेकिन चीजें यहां पे ये क्लियर होती हैं, लोगों ने ही क्लियर कर दिया। और मैं तो ये चाहता हूं, बाबा के बारे में बोला गया शराबी है, और वहां के लोगों ने, स्थानीय निवासी, उन्होंने बोला है, और इसके बाद क्या कुछ खाते हैं, तंबाकू वगैरह, उसके बाद उसी से ही खाना वाना बनाते हैं उस उन्हीं हाथों से, तो फिर बिना हाथों तो इस वजह से भी लोग नहीं आते। और इसके बाद बाबा ने उसका भी पैसा नहीं दिया। और मैं उनके वकीलों से और उनके जो मैनेजर है उनसे ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने होटल दिलवाया था उसके भी पैसे दे दीजिए भाई, अब तो आप लोगों के पास पैसे हैं। और रही बात ये मदद करने की, तो बाबा जैसे बहुत सारे लोग हैं उनकी भी मदद करिए जाके। ये मदद का कुछ वो नहीं है, ये होता है कि अपने आप को फेमस करने के लिए, क्योंकि इतने बाबा एक सेलिब्रिटी बन गए तो उनके साथ रहना ही बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। चलो थैंक यू, आप क्या सोचते हैं इस मैटर के बारे में तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्या गौरव के साथ सही हुआ है या नहीं हुआ है, क्या बाबा को पैसा वापस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद, हैप्पी दिवाली।